तो ये एपिसोड काफी सैड होने वाला है गोजो फैंस के लिए, और हो सकता है कि इस एपिसोड के बाद कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। तो या दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, और या इस वीडियो को लाइक करके अब बढ़ते हैं कहानी पे। वेल, अब तक हमने देखा कि गोजो को पता चल चुका है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसकी बॉडी को किसी कर्स स्पिरिट ने पकड़ रखा है, एंड गोजो को इमोशनल फूल बनाकर उस कर्स स्पिरिट ने गोजो को भी पकड़ लिया है। और अब आगे हम देखते हैं कि मेकामारू की प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो चुकी थी, और इस तरफ गेटो गोजो से कहता है कि चलो अब वक्त आ चुका है तुम्हें सील करने का। गोजो कहता है कि गेटो तुम कब तक किसी और के पपेट बनते रहोगे। और फिर हम देखते हैं कि गेटो की बॉडी उसी का हाथ पकड़ उसका गला दबाती है। केंजाकु ये देख काफी हैरान था और वो माहितो को बुलाता है। वो माहितो से कहता है कि तुमने कहा था ना कि पहले सोल आती है तब बॉडी आती है। यहाँ देखो, यहाँ पे सोल और बॉडी दोनों एक साथ काम कर रही है। जब तक माहितो उसको कुछ एक्सप्लेन करता, गोजो उनसे कहता है कि यार तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मैं बोर हो रहा हूँ। ये सुनते ही गेटो भी सोचता है कि अच्छा आइडिया है, और वो उसको लिटरली सील कर देता है। वो सील्ड होकर एक बॉक्स में बदल जाता है जिसको गेटो उठाता है। माहितो उससे कहता है कि क्या हम इसमें और लोगों को कैद नहीं कर सकते। केंजाकु यानी कि गेटो उसको कहता है कि एक ही टाइम पे एक ही पर्सन सील हो सकता है, और ये एक ऐसी सीलिंग है जिसमें पर्सन खुद को भी नहीं मार सकता। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने इतादोरी के कान में मेकामारू का एक ईयरफोन आ चुका है, जो इतादोरी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन हमारा स्टूपिड इडियट इतादोरी उसको अपने कान से हटा के तोड़ने की कोशिश करता है। मेकामारू उसको रोक कहता है कि ध्यान से सुनो, गोजो सील हो चुका है। मेमे फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। जहां मेकामारू बताता है कि मैं रियल नहीं हूँ, मैं बस एक प्रोग्रामिंग हूँ। मैं एक्चुअली मैं 19 अक्टूबर को ही माहितो से मारा गया, लेकिन ये मैंने एक बैकअप प्रोग्रामिंग बना रखी थी, और ये तभी एक्टिवेट होती जब गोजो सतरु सील होता। ये प्लान फेल ना हो इसलिए मैंने ऐसी 3 जगह चीजें रख रखी है, और मैंने सिर्फ इतादोरी के लिए रखी थी, क्योंकि पूरे सॉर्सरर में इतादोरी के सबसे कम चांस है हमें बिट्रे करने के। और मैं तुम्हें भी देख के कह सकता हूँ कि तुम भी फिलहाल इनोसेंट हो। वेल, तभी उन लोगों को फील होता है कि उनके पास कोई कर्स मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। मैं पूछती है इतादोरी से कि तुमने अब तक जिससे फाइट करी सबसे पावरफुल कौन था। इतादोरी बताता है कि फिलहाल अभी तक मैंने जिससे फाइट करी है वो ग्रास ओवर वाला ही काफी तगड़ा था। मैं तभी सोचती है कि इतादोरी ने जिससे फाइट करी वो सेमी ग्रेड 1 की कर्स स्पिरिट्स थी, और यहाँ पे काफी सारी ऐसी सेमी ग्रेड कर्स स्पिरिट्स घूम रही है जिनको ह्यूमन लैंग्वेज आती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को गोजो को बचाने चलना चाहिए। मेकामारू उनको कहता है कि तुम अब ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे शिबुया की पूरी चीजें बदल रखी हैं। जहाँ मेकामारू उनको कहता है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ 4 व्हील्स एक्टिवेटेड हैं, जिसमें पहली वाली में नॉर्मल लोग हैं, दूसरी वाली में गोजो सातोरु सील्ड है, तीसरी वाली में जुजुत्सु सॉर्सर्स नहीं आ सकते, और चौथी लोगों को कैद करने के लिए है। मेमे जहाँ उससे कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ट्रेन के थोड़ा पास जाते ही हमें एक और व्हील मिलेगी। मेकामारू बताता है कि तुम सही बोल रही हो, जिस वजह से जितने सॉर्सर्स वहाँ पे गए हैं उनका फोन नंबर नहीं लग रहा। मेकामारू उनको कहता है कि अब तुम लोगों को मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। मैं चाहता हूँ कि इतादोरी बाहर जाकर सारे सॉर्सरर्स को ये बताए कि गोजो सील हो चुका है, और मेमे का काम होगा कि वो सामने के 2 यूजर्स से फाइट करे और इतादोरी के लिए रास्ता बनाए। इतादोरी भी रेडी था, जहाँ मेकामारू उसको कहता है कि ध्यान से सुनना इतादोरी। मेकामारू इतादोरी को कहता है कि अगर गोजो गायब हुआ तो पूरी ह्यूमन सोसाइटी ही बदल जाएगी। वेल, तभी हम लोग देखते हैं कि केंजाकु के हाथों से सील नीचे गिर गई है, जहाँ आराम से अपना गोजो वहाँ बैठा हुआ है काफी सारे स्केलेटन्स के साथ, और सोचते हैं कि अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, मुझे अपने लोगों पे भरोसा है, वो मुझे जल्दी बचा लेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। नानामी सबको कहता है कि मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि चीजें इतनी धीमी क्यों हो रही हैं। मैगुमी उनसे कहता है कि ये शायद व्हील की वजह से ही हो रहा है जो हमारे कॉन्टेक्ट्स को रोक रही है। नानामी तब कहता है कि जिसने भी स्ट्रेटेजी बनाई है वो काफी चालाक है, हमें उससे फाइट करनी होगी, हमें हर जगह सतर्कता से चलना होगा। जहां नानामी आगे उनको ऑर्डर्स देता है और कहता है कि मैं उसको रोकूंगा जिसने भी व्हील एक्टिवेट करी है, और तब तक तुम लोग बाकी मासूम लोगों को बचाओ। दूसरी तरफ हम इनके मैनेजर को देखते हैं जो कि इन सबको कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। वो अकेला था, और जैसे ही वो आगे बात करता है तभी रियलाइज करता है कि उस पे किसी ने शॉट मार दी है, और फिर वो फील करता है कि लगातार 6-7 वार उसके ऊपर हो चुके हैं और वो वही खत्म हो जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 कस्प्रेट यूजर है जो कि सीजन 1 में भी दिखाए गए थे। वही हमें दिखाया जाता है कि मेकामारू का कैमरा गेटो और उसके बाकी लोगों को स्पाई कर रहा है, जहाँ गेटो और उसके बाकी लोग कहते हैं कि प्रिज्म अभी थोड़ी देर तक यहीं पे रहेगा क्योंकि गोजो की इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहा है। तभी माहितो उसका कैमरा देख लेता है और मेकामारू का कैमरा पलक झपकते ही तोड़ता है। मेकामारू पूरी इन्फॉर्मेशन ले इतादोरी से कहता है कि अभी वो लोग गोजो को नहीं हटा सकते, तो अभी हमारे पास टाइम है, जैसे ही व्हेल हटेगी हम सब लोगों पे हमला कर देंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि व्हेल से बाहर आती अपना इतादोरी जितने भी इनह्यूमंस हैं उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। मतलब इसका थोड़ा बहुत फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जो कि मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि अभी तक कोई फाइटिंग सीन आया नहीं था। तभी वो भागता हुआ एक लंबे से टावर पे जाता है और एक बहुत बड़ी सांस लेकर ननामी
नानामी नानामी चिल्लाता है। वो चिल्लाता है कि नानामी गोजो को सील कर दिया गया है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि नानामी को सुनाई दे चुकी थी, जहाँ नानामी सुनते ही कहता है कि प्लान अब चेंज हो चुका है, अब हम लोग सबके सब मिलके इटादोरी के पास ही जाएंगे, और अगर इटादोरी जो बोल रहा है सच है। अब माई तो यहाँ पे सबको बताता है कि कुछ ही टाइम में सारे सॉर्सरर्स यहाँ आने वाले हैं, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गेटो कहता है कि मैं यहीं पे थोड़ा बहुत वेट कर सकता हूँ, जहाँ चोजो कहता है कि वो इतादोरी और नोबारा दोनों को मारेगा और अपने भाई को बदला लेगा और अपने छोटे भाई को भी हाई स्कूल से छुड़वा के लाएगा। जोगो उसको कहता है कि ये तो भूल कभी मत सोच लेना। तभी माई तो उनकी बात काटते कहता है कि अब गोजो सील हो चुका है, तो कस यूजर और सॉर्सरर इन दोनों की पावर अब सेम हो चुकी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इतादोरी को ही मारूं, क्योंकि हमारे पास अभी भी इतनी ताकत है कि हम बिना सुकुना के भी जी सकते हैं। जोगो उन सभी को वार्न करते कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि सुकुना हमारी साइड होगा तो तुम ये भूल जाओ, सुकुना कर्स का राजा है, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम लोग सुकुना को एक्टिवेट कर दोगे तो याद रखना कि कर्स का दौर वापस आएगा, जिस चक्कर में हमें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। माही तो कहता है कि हम लोग अपने नेचर के मुताबिक चलते हैं, हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं, मैं यहाँ किसी के गलत नहीं हूँ, मैं बस नेचर के लॉस को फॉलो कर रहा हूँ। एक गेम खेलते हैं जो, अगर मुझे इतादोरी पहले मिला तो मैं उसको मार दूंगा, और अगर तुम्हें इतादोरी पहले मिला तो तुम उसको सुकुना की फिंगर्स दे देना। चोजो भी कहता है कि मैं भी इतादोरी को मारना चाहता हूँ। केंजाकू फिर कहता है कि तुम लोग जो भी प्लान बना रहे हो तुम कर सकते हो, मैं यहीं पे कुछ टाइम इंतजार करूंगा, और मेरे लिए सुकुना किसी काम का नहीं है जब तक ये प्रिज्म लेलम खराब नहीं होता। जोगो कहता है कि हम लोग फिर जा ही क्यों रहे हैं जब हमें पता है कि सारे सॉर्सरर्स को यहीं पे आना है। और तभी हम देखते हैं कि माइतो और चोजो स्पीड की भाग जाते हैं इतादोरी को मारने के लिए, और वहीं जोगो भी भागते भागते उनको फॉलो करता है। उनके जाते ही हमें दो लड़कियां दिखाई आती हैं, जो कि तुम्हें शायद सीजन 2 में दिख गई होंगी। वो लड़कियां आकर केंजाकू को कहती है कि तुमने हमें जितने आदमियों को मारने के लिए बोला हमने वो सारा किया, हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, और अब हम दोनों ही चाहती हैं कि तुम हमारे मास्टर की बॉडी को छोड़ो। डील के मुताबिक केंजाकू नहीं चलता है, वो उनको मना कर देता है गेटो की बॉडी वापस करने से। वो उनको कहते हैं कि अगली बार कोई भी डील करो तो सॉर्सरर सील के साथ करना, अब तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी मारूंगा। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां कहती है कि तुम्हारा अंजाम बहुत गलत होगा, और ये बोलते ही वहाँ से चली आती हैं। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मेगुमी फुजिगुरो आ चुका है, वो इतादोरी को छुप करवाता है, और तभी मेकामारू उन सभी को सारी सिचुएशन बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। नानामी सुन कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे ही इन चीजों को हैंडल करना होगा, तब तक तुम लोग यहीं पे रुक कर अपने प्लान को पूरा करो, मुझे तुम लोगों पे विश्वास है कि तुम लोग इस वेल को जरूर तोड़ोगे। नानामी जाने से पहले अपने अच्छे असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हें बाकी सॉर्सरर मिले तो उनको भी प्लान बता देना, और अब मैं इन दोनों को तुम्हारे हाथों छोड़ के जा रहा हूँ। वो लड़का फिर काफी खुश हो चुका था कि फाइनली नानामी ने उसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो फिर मेगुमी फुजिगुरो और इतादोरी को समझाता है कि अगर गोजो सील हो गया या फिर गोजो नहीं रहा तो तबाही आ सकती है, गोजो ने अब तक जिसको बचाया है यानी इतादोरी तुम उनको मार दिया जाएगा, गोजो का पूरा क्लैन भी खत्म हो जाएगा, और जितने भी कर्स्पिरिट्स हैं, जो भी डर्टी पीपल्स हैं जो कि गोजो के डर से छुपे हुए हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें नानामी के आने से पहले पहले इस वेल को तोड़ना होगा और गोजो सातोरु को बचाना होगा। एंड या दोस्तों, इसी के साथ हमारे जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 का हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है। कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा था, इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ, मैं ब्लैक क्लोवर की एक्सप्लेनेशन जल्दी शुरू करूंगा तो उसके लिए मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पेज का लिंक है, उन तीनों में जाके मुझे फॉलो जरूर करना। इस वीडियो को शेयर करो अपने एनिमे दोस्तों के साथ या फिर एनिमे ग्रुप्स में, और बाकी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से चेकआउट जरूर करना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए एनिमे एक्सप्लेनिंग के साथ। तब तक लेट्स टर्न योर हिंदी, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।